नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ संध्या विष्ट। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल 28 पैसे और डीजल 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपको बता दें कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के पबनी में बिक रहा है। पबनी में पेट्रोल 90 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर और डीजल 78 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर भाव से मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 73 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। और मुंबई की बात करें तो पेट्रोल 88 रुपये 67 पैसे और डीजल 77 रुपये 82 पैसे तक पहुंच गया है। दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन से भेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर पहुंचेंगे। बता दें कि जिलाधिकारी निशांत वरवड़े ने बताया कि दाऊद बोहरा समुदाय के धर्मगुरु से मिलने के लिए प्रधानमंत्री के 14 सितंबर को इंदौर जाने का कार्यक्रम संभावित है। इसके मद्देनजर जरूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी स्तर पर संकेत मिले हैं कि प्रधानमंत्री का इंदौर दौरा बेहद कम समय का होगा। हालांकि इस सिलसिले में केंद्र सरकार से विस्तृत कार्यक्रम की प्रतीक्षा की जा रही है। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने अध्यापक भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें लगातार सरकार नए नए दावे खेलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने फिर से अध्यापक भर्ती परीक्षा में बदलाव कर 30% और 33% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया है, जिस कारण अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचे और जमकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उनको गैर कानूनी तरीके से बाहर किया गया है। राजधानी दिल्ली में समता ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड में बन रही फिल्म थर्ड जेंडर को मुद्दा बनाया गया। आपको बता दें कि किन्नरों के मुद्दे पर बन रही इस फिल्म का कॉन्सेप्ट किन्नरों को रास नहीं आया, जिसके विरोध में आज लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पायल फाउंडेशन किन्नरों ने मिलकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। फारुखाबाद जिले में दूसरी बार पहुंचे नगर विकास मंत्रालय के मुख्य सचिव प्रियदर्शी ने सबसे पहले लोहिया अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने इमरजेंसी में सिटी स्कैन, जनरल वार्ड, महिला वार्ड, प्रसव वार्ड सहित उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं जहां पर उन्होंने कोई कमी दिखाई दी उसे संबंधित कर्मचारी से उसको सुधारने को कहा गया। उसके बाद आवास विकास कॉलोनी में ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा के भवन निर्माण को देखा और उसमें लगाए जा रहे पाइपों को सही करने के आदेश दिए। साथ ही बैंक के अधिकारियों से कहा कि भवन को अपने हाथ में जब लेना, जब इमारत में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। उसके बाद उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जिसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बता दें कि 2 अक्टूबर को इस बस स्टैंड का उद्घाटन होना है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण की आधी रात को रिहाई हुई और रिहाई के तुरंत बाद रावण ने भाजपा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर सहारनपुर में 2017 में हुई जातीय हिंसा का मुख्य आरोपी है। रावण को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजा गया था और वो लगभग 16 महीने से जेल में बंद था। रावण को गुरुवार रात करीब 2:24 पर जेल से रिहा किया गया था। रावण की रिहाई के दौरान समर्थकों का जमावड़ा जेल के बाहर जमा रहा, जिसके कारण जेल के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सितंबर बॉल डांस पार्टी 2018 के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको आयोजन सेवी ग्रैंड होटल KRAB इवेंट द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से आयोजक भावना और रंजीता ने लखनऊ के आम परिवारों को एक मंच पर लाने के लिए महान प्रयास और पहल की है। जीवन के कुछ क्षणों का आनंद लेने के लिए कई प्रोग्राम भी आयोजित किए गए थे। मैं अमिताभ जी और भावना जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी से जो लोग परेशान हो जाते हैं, बटन रहता है, तो वो जो है थोड़ा सा चेयर अप होकर अच्छे मूड में अच्छे से एंजॉय करें। हम लोगों ने फैमिली फंक्शन इसलिए रखा है कि किसी भी तरह की कोई भी किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो चाहे वो थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए अच्छे मूड से अच्छे चेयर अप होकर। जैसे कि ये सितंबर मंथ है और मौसम बहुत बढ़िया है, तो उस समय काफ़ी चेयरफुल भी है, काफ़ी एंजॉय करना चाहते हैं, तो यही सोच कर लोगों ने सितंबर बॉल पार्टी थीम रखी है, जिसमें कि बॉल सेशन है, उसके अलावा जो गलत थीम है ब्लैक एंड व्हाइट रखी है,
श्री वासु चंद्रन, श्री विवेक श्रीवास्तव, श्रीमती गीतांजलि नागू और श्रीमती मिडुला रस्तोगी को प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री वीके गोयल रहे। सभी ने कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। मौज मस्ती के साथ साथ लोगों ने अपने पुराने दिन भी याद किए। अंत में सितंबर बॉल डांस पार्टी के मिस्टर और मिसेज सितंबर का टाइटल घोषित किया गया, जिसके विजेता जितेंद्र और रेणु रावत बने। यूपी के हरदोई में जिलाधिकारी पुलकित खरे और क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आपको बता दें कि बाढ़ से प्रभावित लोगों ने जिलाधिकारी से कई शिकायत की थी। लोगों ने बताया कि यहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और बुखार जैसी बीमारियां यहां पनप रही हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सीएमओ को आदेश दिया कि डॉक्टर की टीम को जल्द से जल्द बाढ़ग्रस्त इलाके में भेजा जाए। साथ ही साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों में जिलाधिकारी पुलकित खरे, विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने राशन सामग्री भी बांटी। आपको बता दें कि सवाईजपुर के दर्जनों गांव इस समय बाढ़ से ग्रस्त हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिता ने अपनी 14 वर्षीय बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव उमरपुर का है, जहां कलयुगी पिता इकबाल पुत्र बसीर अपनी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दे रहा था। इतना ही नहीं, कलयुगी पिता पिछले 6 महीने से लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था। जब भी पीड़ित इस घटना को किसी को बताने को कहती तो बलात्कारी पिता उसे जान से मारने की धमकी देता था, लेकिन किसी तरह पीड़िता की मां ने ये पूरी घटना देख ली और कोतवाली पहुंचकर पुलिस से बलात्कारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने संगीन धाराओं में कलयुगी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही नाबालिग पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। एक महिला द्वारा इस आशय की तहरीर थाना बुढ़ाना पे दी गई है कि उसकी पुत्री के साथ उसके पति के द्वारा बलात्संग जैसा अपराध कारित किया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नाम? मेरे साथ में बलात्कार किया। मैं कह रहे थे अब तो तुमने मेरे को बता तो चले तेरे अम्मी को जान से मार दिया। लड़की के साथ में गलत काम हुआ उनके बाप से। लखनऊ में महिला और परिवार कल्याण मंत्री रीता भगोड़ा जोशी हमारे संवाददाता आशुतोष पांडे से खास बातचीत के दौरान कहा कि मीडिया को भली भांति और सूझबूझ के साथ सच्चाई का पता लगाकर काम करना चाहिए। मीडिया को चाहिए कि सच्चाई समक्ष रखे, लेकिन अक्सर ये होता है कि सिर्फ जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक पहलू हैं, सरकार के हों या समाज के हों, वही उजागर किए जाते हैं। लेकिन सकारात्मक प्रयास, कहीं कोई एक व्यक्ति, एक कोई एनजीओ या कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि अच्छा काम करता है तो वो भी दिखाना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि नकारात्मक ना होकर सकारात्मक अप्रोच होनी चाहिए। सच्चाई का दर को दर्पण दिखाइए, गलतियाँ भी दिखाइए पर अच्छाइयाँ भी दिखाइए। तो मैं ये चाहूँगी पारदर्शिता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।